साथियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPBCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो ये जो टेस्ट है ये चेतन मीना जो इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध व्यक्ति मोहम्मद बिलाल खत्री किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये शिल्पकारिता के लिए जाने जाते हैं। अगला है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ये अवशेष शक्तियाँ जो है ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। आगे है निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो जो आपका रीवा पन्ना वाला क्षेत्र है इसे ही कहा जाता है। किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? तो इसका गठन जो है सन 2005 में किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, जबकि जोग प्रपात कर्नाटक में और दूध सागर प्रपात जो है ये गोवा के मांडवी नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है जबलपुर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बारना बांध ये कहाँ पर स्थित है? तो बारना बांध जो है आपका रायसेन में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो ये उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खरगोन जिला जो है ये मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे दाब क्या होगा? बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति ST की नगरीय परिषद बताइए। नगरीय परिषद पूछ रहा है तो 6.79% है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर रेजोल्यूशन मापा जाता है किसमें? तो कंप्यूटर रेजोल्यूशन जो है पिक्सल की संख्या में मापा जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना जो है ये संयुक्त परियोजना नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन क्षेत्रों से मिलान करना है, तो देखिए आपका सुरमा जो है, सुरमा ये जबलपुर से संबंधित हो जाएगा। सुरमा को आप जबलपुर से मिलाइए। ग्रेफाइट बैतूल से, टंगस्टन जो है ये होशंगाबाद से, और कोरंडम ये जो है सीधी से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा दीजिए। तो वन का बी हो गया, यहाँ पर आप ऑप्शन में आइए, यहाँ पर वन का बी है और टू का सी है, थ्री का डी है और फोर का ए है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर निजी क्षेत्र की पेपर मिल स्थापित है? तो ये है आपका अमलाई में। कहाँ पर है? अमलाई में है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसे 1982 में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो आपका देखिए देशपुर जो है ये आपका सूर्य मंदिर है, देशपुर सूर्य मंदिर है, तो ए का फोर से मैच हो जाएगा। तिगवा जो है ये विष्णु मंदिर है, थ्री से। उदयगिरी जो है ये बराह अवतार की प्रतिमा है, टू से। ग्वालियर में सहस्रबाहु मंदिर है जो कि सहस्रबाहु मंदिर कहलाता है, उसी का अपभ्रंश है सहस्रबाहु मंदिर। तो इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है इसमें वो 4321 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम टंटिया भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया? तो ये सम्मान जो है राजा राम मौर्य को दिया गया है। आगे चलते हैं। निराला सृजन पीठ किसका भाग है? तो निराला सृजन पीठ जो है भारत भवन भोपाल का भाग है, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? तो देखिए कमल वशिष्ठ ये रंगकर्मी है, चित्रकार नहीं है। अगला है, इंदौर का सराफा कांड कब होता है? तो सितंबर 1942 में, डी ऑप्शन। पीताम्बर शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो पीताम्बर शक्तिपीठ जो है ये आपका दतिया जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड में गाने के लिए एक गीतकार के रूप में कार्य किया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर, एक सेकेंड, तो ये है राहत इंदौरी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला है, निमाड़ का खजुराहो कहा जाने वाला ऊन प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये आपका खरगोन जिले में स्थित है।
मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? ये राज्यों का यूनियन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? तो घुघुआ जो है ये जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं, समावेशी विकास संबंधित है किससे? तो ये खाद्य सुरक्षा में समानता, शिक्षा में समानता, स्वास्थ्य में समानता, इन सभी से संबंधित है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सतत विकास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो ब्रेटलैंड ने किया था। किसने किया था? ब्रेटलैंड ने, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना समावेशी विकास के किस क्षेत्र की योजना है? तो ये वित्तीय समावेशन क्षेत्र की योजना है। मध्य प्रदेश कृषक आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश कृषक आयोग का गठन जो है सन 2006 में किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो ये है 1985 से लेकर के 90 के बीच में लागू की गई। अगला है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, तो यह है इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो ये आपका इनसाइडर ट्रेडिंग जो है शेयर बाजार से संबंधित है, डी ऑप्शन। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका गरीबी के आकलन से संबंधित है। लुकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो स्वायत्त रक्त कोशिकाओं की, व्हाइट ब्लड सेल की। अगला है, प्राकलन समिति जो है संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो ये लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। अगला है, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इसका कार्य नहीं है। बाकी रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोनों का स्त्रावण करना, ये सब इनके कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पद छाप कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज कब घोषित किया गया? तो इसे शाह बुलबुल भी कहते हैं, इसे 1981 में घोषित किया गया। अगला है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के वक्ता भी रह चुके हैं? तो बलराम झाकड़। और यहां याद रखिएगा 41 क्वेश्चन में कि यहां का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु आर्गन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, तो यह है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो ये इसका वेग अधिकतम जो है निर्वात में होता है। ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। आगे है, किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो जियो सर्च के द्वारा, ए ऑप्शन। पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन की खोज किसने की थी? तो ली डी फॉरेस्ट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम क्या है? मतलब बड़े से छोटे क्रम में चलना है, तो इसमें आपका छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित हैं? तो ये जो है आपका फिजी देश से संबंधित है। आगे चलते हैं, सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? तो यह है अबेकस। कौन सी है? अबेकस, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? तो ये 22 अगस्त 2005 को, बी ऑप्शन। छाहूर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो छाहूर जो है बघेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन थे? तो ये थे आपके TN श्रीवास्तव। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग की सदस्य संरचना इनमें से किस प्रकार की है? तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है। इसको RTI 2005 के साथ 15 जून 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक रहती है। आगे चलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह एक सांविधिक संगठन है, ठीक है।
वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त 11वें नंबर के कौन हैं? मतलब वर्तमान में जो हैं वो यशोवर्धन कुमार सिन्हा हैं जो कि 11वें नंबर के हैं, और पहले कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे, और पहली महिला जो मुख्य सूचना आयुक्त की कौन थी? दीपक संधू थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन पढ़िए। इसमें जो पहला ऑप्शन है देश के लिए लिखित संविधान, ये 1935 के अधिनियम से लिया हुआ नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। यहाँ पे सूची दी गई है, इसे आपको सुमेलित करना है। तो देखिए केंद्र सूची में क्या आएगा? जनगणना आता है। राज्य सूची में आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार आता है, और अवशिष्ट विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष और अनुसंधान आता है। इस प्रकार से 3142 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो KM मुंशी के द्वारा ये कथन कहा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल जो है रीवा में स्थित है। अगला है बल गुणनफल किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें जो माउस आपका ये इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। अगला है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करते हुए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश का सफल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इनको जो है परामर्श एडवोकेट जनरल देता है, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को, ये आर्टिकल 165 के तहत है। जबकि केंद्र सरकार को महान्यायवादी देता है, आर्टिकल 76 के तहत इसकी नियुक्ति होती है या इसका प्रावधान है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह, 6 माह के भीतर भर देना चाहिए, मतलब नियुक्ति हो जानी चाहिए। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि, ये भी सही है, परंतु वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये नहीं रहे हैं, सी ऑप्शन। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? तो संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में निहित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बायोगैस में मुख्यता क्या होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथन होता है। वो ऑप्शन में नहीं, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक भूस्थिर उपग्रह का काल कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में होता है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। और यह आंदोलन कब होता है? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हसरत मोहानी ने, बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये अनुवाद चार्ल्स बिल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बिल्किंस ने किया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के? परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। मौर्य काल में टैक्स को चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड का प्रावधान था। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इनमें से किस पूर्ववर्ती अधिनियम का स्थान लिया है? तो इसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का स्थान लिया है। आगे चलते हैं, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो ये अगुंतर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है। अगला है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह निर्णय किया था या यह कथन था कार्ल मार्क्स का। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये थे B.R. अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो
तो दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो असम ने दी है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला ऋण योजना शुरू की है? तो ये योजना की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। विश्व आर्थिक मंच 2021 जो है निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ऐसे तो हर साल ये आपका स्विट्जरलैंड के दावोस में इसको आयोजित किया जाता है, परंतु इस बार सिंगापुर में होगा। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर चौंपरास के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? कुल 40 लोगों को। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इस बार का थीम क्या थी? तो रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फ्रॉम द कोविड-19 जनरेशन। आगे चलते हैं, जर्मन वॉच में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। किस स्थान पर? 7वें स्थान पर। आगे चलते हैं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो कुल 10.3% महिलाएं हैं। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत खोब रागड़े को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पर, फेडरेशन इंटरनेशनल की बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, सी ऑप्शन। फुटबॉल की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। कितनी? 90 मिनट की। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने जो है 1398 ईस्वी में अटैक किया था, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। ठीक है, आगे चलते हैं, पूर्णिमा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पूर्णिमा ट्रॉफी जो है ये वॉलीबॉल से संबंधित है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। किसने कराया था? हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली, जिसे दीन पनाह कहते हैं, इसका निर्माण 1564 में करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है स्नूकर से है। किसे वर्ष 2020 में रसायन हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो है रसायन में ये दिया गया है एमैनुअल कारपेंटियर फ्रांस के और यूएसए की जेनिफर ए डोडोना को। ठीक है, किस लिए? कि जीन तकनीक के सबसे तेज उपकरणों में से एक क्रिस्पर कैस 9 आणविक कैची विकसित करने के लिए। और पहली बार है कि नोबेल पुरस्कार किसी महिला टीम को मिला, मतलब दोनों ही महिलाएं हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, इटावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इटावीरा जो है ये ब्राजील की लोहे की खदान है, मतलब लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।